कल हमारे पूरे हिंदू समाज के आराध्य प्रभु झूलेलाल जी का अवतरण दिवस था, जिनको वरुण अवतार भी बोला जाता है, और पूरे विश्व में जो है उसका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया जैसा कि परंपरा है। जयपुर के अंदर भी हमारी चेटीचंद सिंधी मेला समिति ने बड़े धूमधाम से जो है शोभा यात्रा का आयोजन किया। अब उस शोभा यात्रा के अंदर हम सामाजिक विषयों को लेकर, धार्मिक विषयों को लेकर अलग अलग झांकियां निकालते हैं। हमारी पूज्य पंचायत मुरलीपुरा और सिंधु सेना के द्वारा हमारे हिंदू समाज के एक गरीब वेंडर मोहनलाल सिंधी की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। आरोपियों को जो है संरक्षण दिया गया। ये जो अपराध कारित हुआ, इस अपराध के बाबत समाज को दिखाने के लिए एक झांकी निकाली गई। अब ये तो सामाजिक सरोकार है, आतंकवाद के खिलाफ भी हम झांकी निकालते हैं, अपराध के खिलाफ भी निकालते हैं। अब इसका इशू बनाकर सरकार ने ये कह दिया कि साहब ये झांकी तो इसमें शामिल नहीं होगी। अब इन बच्चों को जो है झांकी हटाने के लिए उनके बैनर फाड़े गए, उनके होल्डिंग फाड़े गए, जो भी हमारे साथी थे उनको परेशान किया गया, उनको ये बोला गया साहब तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। मैं वहां पहुंचा, तब ये बच्चों ने मुझे अपनी बात बताई, तो मैंने मैडम को सिर्फ इतनी सी बात बोली, मैडम अगर के आपको आपत्ति है इसकी तो आपको इसको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी। आज अगर के छोटी चौपड़ से लेके चौगान स्टेडियम से लेके ये झांकी यहाँ तक आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी रजा थी तब आ गई। अब उसके बाद भी आप कह रहे हो कि इसको हटाना है तो हटा देंगे, लेकिन हटेगी बीच रोड से तो हटेगी नहीं, हटेगी तो रोड खत्म होने के बाद ही हटेगी। इतनी सी बात हो गई, पर जो उनका रवैया था, मतलब उन्होंने इस बात की भी गरिमा नहीं देखी कि साहब एक समाज का अध्यक्ष है और उनको निवेदन कर रहा है, वो क्या बोल रही है, आपका नंबर बोलो, आपका नाम बोलो, इनको बोल रही है आपको गिरफ्तार करेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे। किसी भी प्रशासन की ये मंशा जो है उचित नहीं है। हम सनातनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कृपलानी जी, क्योंकि वो झांकी निकालने के बाबत ये कहा गया था कि आपके ही समाज के जो चेटीचंद मेला समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस झांकी निकालने के लिए मना कर दिया, क्या ये बात सत्य है? देखो वो जानकारी मेरे सामने नहीं हुई थी, लेकिन झांकी निकली है ये बात तो तय है। अगर के प्रशासन को आपत्ति होती तो वही रोक देते। नहीं, वो झांकी अगर के उन्होंने मना किया या नहीं किया या मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरी बात को समझो। झांकी निकली है, कहाँ से निकली? चौगान स्टेडियम से निकली। कहाँ पर पहुंची? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रोकी गई है झांकी, मोहनलाल सिंधी की जो हत्या की झांकी रोकी गई है, इसमें प्रशासन को है था कि ये पूरा मामला वापस से उजागर नहीं हो जाए या तूल नहीं पकड़ ले। इस वजह से हमारे इस हत्याकांड को मीडिया भी कवरेज नहीं दे रहा है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, तो ये तो मानने की बात है कि जो हाईकमान का हुक्म होगा वो ये फॉलो करेंगे। बात खत्म।